नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए हैं आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो में होने वाला है, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं फिर से परम जी, जो एक यूट्यूबर हैं जो रिएक्शन वीडियोस बनाते थे, जिनका भी थोड़े दिन पहले हमने रिएक्ट करा था कि उन्होंने वो सिख थे, सिख से वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। और सीरियसली भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो पे भी रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया वो कंटेंट जो हमने वीडियो बनाया था, उस पर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का प्यार आया है। और इंडियन मुस्लिम इनका यूट्यूब चैनल है जिस पर आज हम अपना रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं। इस चैनल के और भी वीडियोस पे हमने रिएक्शन दिया है, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे और नॉलेजफुल इनके वीडियोस होते हैं। आज का जो वीडियो का टाइटल है वो है व्हाई अ यंग यूट्यूबर परम सिंह एक्सेप्टेड इस्लाम। तो चलिए भाई, हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। मैं गैर मुसलमानों से मुखातिब होकर ये बात करता हूँ कि चाहे आप इस्लाम से कितनी ही नफरत करते हो, भले ही आप इस्लाम से दूर भागने की कोशिश करो, मगर यकीन मानिए आप इस्लाम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये है परम सिंह, ये एक यूट्यूबर हैं, काफी वक्त से इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन देते आ रहे हैं और इन्हीं इस्लामिक वीडियोस को देखते देखते इनको आखिर में सच्चा रास्ता यानी इस्लाम मिल ही गया। अल्लाह ने इनको ऐसी हिदायत दी कि परम भाई हिंदू से मुसलमान बन गए। सुनिए परम सिंह के मुसलमान बनने की कहानी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सबने जो ये इतने सारे कमेंट्स किए, इतने ज्यादा आपने प्यार दिया, इतनी सारी दुआएं दी, मैं इस चीज को हजम नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि मेरा जो प्रीवियस रिलीजन क्या था, ठीक है, वो मैं आप सबको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है तो मैं इस चीज को आज क्लियर करता हूँ। पहले हिंदू सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे घर पे ऐसा था कि आप सब भगवानों को मानो, इंसानियत को मानो। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि आपको इंसानियत की सेवा करनी है, आपको इंसान बनना है, आपको हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, उसको अच्छे से देखना है। हमारे मॉम डैड ने हमें यही सिखाया है बचपन से, एंड मैं समझता हूँ कि ये तालीमात की वजह से आज मुझे सच्चाई का पता चला और मैंने इस्लाम कबूल किया, यही एक रीजन। अभी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि मेरे डैडी जो है सरदार हैं, दिखते सरदार हैं, तो आप हिंदू सिख कैसे? तो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, घर पे कोई भी मतलब सबको मानते हैं, तो हमारे घर पे ऐसा था कि हम सब जगह जाते थे, ठीक है, हर जगह, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे सब जगह जाते थे। तो जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा हाउ आई गॉट टू नो अबाउट इस्लाम, इस्लाम के बारे में मुझे कैसे पता चला। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने वीडियोस पे रिएक्शन देना स्टार्ट किया क्योंकि इस्लामिक वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आते थे कंपेयर टू अदर वीडियोस, चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे वो मूवीज के रिएक्शंस हो, बट इस्लामिक वीडियोस, अतरुल गाजी बहुत चल रहा था उस टाइम पे, भाई साहब मेरे को अभी याद आया, अतरुल गाजी भाई, हमने अतरुल गाजी पे भाई मेरे भाई बहन ने मिलके इतने रिएक्शन दिए, और भाई एक लाख, सबसे पहला हमारा जो सबसे पहला हरमन कौन सा वीडियो था, ऑटोमन वर्सेस बाइजेंटाइन, हाँ, टमान वर्सेस बाइजेंटाइन पहला वीडियो हुआ था जो वायरल हुआ था, 1,00,000 व्यूज आए थे उस पे, बस हम उसके पीछे हाथ धो के बढ़ गए थे अतरुल गाजी पे। भाई अतरुल गाजी देखते देखते ना इस्लाम के बारे में जो थिंकिंग थी 360 डिग्री चेंज हो गई, 360 डिग्री। इस्लाम को पता क्या समझता था, अगर सपोज कोई बंदा मुस्लिम है राइट, तो हमारे दिमाग में आता था लाइक मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान मुसलमान हिंसा, मुसलमान ये, मुसलमान वो, दिस इज द थिंकिंग ऑफ पीपल राइट नाउ। मोहम्मद सबके लिए, जो ये सीरीज आप देख रहे हो मोहम्मद सबके लिए, शहीद मिफ्ताही साहब की जो ये सीरीज है, ये सीरीज की वजह से मुझे इस्लाम का बहुत कुछ पता चला, रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पता चला, सहाबा के बारे में पता चला, सारी जंगों के बारे में पता चला। 1 साल में कुरान कंप्लीट किया हमने, रमजान तक पढ़ी, मतलब 2020 मैंने 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, आज से ठीक एक
साल पहले इस्लाम को नमाज पढ़ना स्टार्ट किया था। अब्दुल शकूर भाई अगर वो देख रहे हैं वीडियो, उन्होंने मुझे नमाज पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करा। उन्होंने मुझे लिख लिख के भेजा कि भाई ये तुझे बोलना है, ये ऐसे रुकू होता है, ऐसे सजदा होता है, सना कैसे पढ़ी जाती है, सना याद की मैंने भाई। मेरे को नहीं हो रहा था याद, बट टाइम लगता है यार, बट हो गया मुझे याद, मैं सब याद आता, मैं अभी मुझे सब आता है एंड मैं बहुत अच्छे से नमाज पढ़ सकता हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है। एक साल से मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, आप सोचो। हॉट टॉपिक, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, व्हेन आई एक्सेप्टेड इस्लाम। इस्लाम मैंने कब कबूल किया? मैंने इस्लाम कबूल किया था 2022 के रमजान में। इस्लाम कबूल किया था, शहादत दी थी। मैं अभी भी वो चीज मुझे याद है एंड मैं बहुत खुश था उस दिन। मैंने किसी से शेयर नहीं किया, किसी से भी, किसी को नहीं बोला, सच कह रहा हूँ। नो वन, मेरे और अल्लाह के बीच में था वो, जो था मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में, और कोई भी उसमें मुलव्विस नहीं था। मतलब आप समझो, मैं नीचे बैठ के मेरे अल्लाह के लिए मैंने शहादत दी, मेरे अल्लाह को मैंने माना, ठीक है, रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने आखिरी पैगंबर माना। एंड जान दो यार, मैं इमोशनल हो जाऊंगा अभी बहुत ज़्यादा। इट वॉज अलग फीलिंग थी यार, बहुत बहुत अलग फीलिंग थी वो, मैं बता नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आई टुक सो लॉन्ग टू अनाउंस, मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया? जब मैंने इस्लाम कबूल किया था, मेरे को हिम्मत नहीं थी किसी को भी बताने की, मैंने किसी को भी नहीं बताया। डर था शायद के मन में ना, मैंने गिने चुने लोगों को बताता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, मेरे में हिम्मत आनी स्टार्ट हुई, तो मैंने कुछ कुछ लोगों को बताना स्टार्ट किया, वो भी मुस्लिम ही थे जो लोग, बट मैंने सबको नहीं बता पाया। मैं काफ़ी अरसे तक मेरे में हिम्मत नहीं थी ये चीज़ की, मैं सच कह रहा हूँ। मे बी वो शैतान होता है ना, कि सही काम करने के लिए आपको पीछे खींचता है, आपको डराता है कि भाई मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, तो हिम्मत नहीं थी। एक बार तो मैंने YouTube पे डाल भी दिया था कि आज एक गुड न्यूज़ सुनाऊंगा। मैंने उस दिन सोचा कि यार आज बता देंगे यार, कुछ होगा, जो होगा देखा जाएगा। नमाज पढ़ता हूँ यार, स्टिल आप सबको समझा नहीं है, हद होती है यार। मेरे मॉम डैड को भी, मॉम डैड का वीडियो अलग से बनाऊंगा, उनका रिएक्शन सारी चीजें बताऊंगा, एकदम तफसील से बताऊंगा पूरा, ठीक है जी। एंड यही चीज, नेक्स्ट सवाल है कि इस्लाम लाने के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस क्या है, राइट? कि मैं इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद चेंजेस क्या आए थे मेरी लाइफ में, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, मैं बहुत ज्यादा सुधर चुका हूँ, हराम चीजों से दूर, नजरों की हिफाजत काफी बेहतर। समझ लो, अगर पहले मैं 100% था तो अभी 80% ठीक हो चुका, 20% अभी भी। इंसान थोड़ा इंसान होता है ना, पागल गुनाहगार, तो वो थोड़ा सीन है, बट स्टिल यार 80% सुधरना इट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज ऑफ इस्लाम। एंड उसके बाद हम्बल, दारू मैं पहले से नहीं पीता था, मुझे पसंद ही नहीं है, सिगरेट मैं पीता नहीं हूँ, और बाकी मेरे को कोई नशे की कोई आदत नहीं है बचपन से ही। आई एम क्लीन, वेरी क्लीन, एंड मैं पूरा वो था, क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट इस्लाम। एंड और उसके साथ साथ पार्टीज में जाता था, हाँ क्लब्स में जाता था मैं, क्लब्स में, बट वहाँ पे पीता नहीं था, डांस करता था, क्लब्स में जाके डांस करता था, डिस्को बड़ा पसंद था, अच्छी अच्छी जगहों पे जाके डांस करना, अच्छे क्राउड में जाना है ना, बेहयाई क्राउड में, ऐसे समझ लो। बट अभी अभी नहीं जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, कभी ज़िंदगी में भी जाऊँगा मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता बिल्कुल भी। और उसके साथ साथ मेरी लाइफ में और क्या चेंज आया, मेरी लाइफ में नमाज की वजह से मेरी हेल्थ अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज की वजह से मैं गुनाहों से बचता हूँ, नमाज की वजह से मेरी जो टाइम टेबल है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैं तीन काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, आई एम अ डिलीवरी मैनेजर इन MNC मल्टीनेशनल कंपनी, उसके साथ साथ मैं यूट्यूब की वीडियो शूट करता हूँ डेली, उसके साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ, राइट?
अपने माँ बाप की और ज्यादा इज्जत, उनको और ज्यादा प्यार, उनके लिए चीजें करना, ये एक और चेंजेस आए हैं जो पहले थोड़ा सा मिसिंग था। प्यार तो करते ही हैं हम, इजहार नहीं करते हैं, तो वो इस चीज में भी थोड़ा सा चेंज आया, राइट। अपने माँ बाप को भी हमने हिदायत दी एंड उनको भी अच्छे से समझाया सारी चीजें। मैं मम्मी डैडी का अच्छे से बनाऊंगा, एक मम्मी डैडी का, ब्रदर सिस्टर का, राइट। ये पार्ट टू है, तो थोड़ा सा अभी लास्ट, ये लास्ट जो टॉपिक है नमाज, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसके ऊपर तो मैं मतलब घंटों बोल सकता हूँ। दिस इज माई फेवरेट टॉपिक। जितने भी यहाँ पे लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये देख के आए हो कि भाई एक नॉन मुस्लिम ने लाइक एक इस्लाम कबूल किया है, उसको माशाल्लाह बोलते हैं, उसको मुबारकबाद देते हैं, सबसे पहले आप खुद को देखो, खुद को देखो कि आप बीइंग अ मुस्लिम, आप अपने दीन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो दूसरों के सामने। क्या आपको देख के कोई इस्लाम कबूल करेगा? ये सोचो पहले खुद को देख के, मुझे देख के क्या कोई मेरे दीन को स्टडी करने का सोचेगा भी? आपको असलियत पता चलेगी खुद की। पूछता हूँ, मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ कि भाई आप नमाज पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, बट कभी कभी हमारी फजर की नमाज रह जाती है, हम सो जाते हैं, उठा नहीं जाता हमसे, रात को काफी देर तक काम करते हैं। ओ भाई इधर देखो, 18 घंटे काम करता हूँ, क्या है मेरे पास, आपके पास क्या ऐसा बहाना है? 18 घंटे काम करता हूँ मैं, नाइट शिफ्ट करता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फिर फजर, क्या उठा नहीं जाता है? 1,00,000 रुपए इनाम रखता हूँ, 1,00,000 रुपए सुबह की फजर की नमाज का। भाग के आओगे, भाग के डायरेक्ट सबसे पहले खड़े होगे कतार में नमाज पढ़ने के लिए। पैसों के लिए करोगे, खुद के लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं करना है, ये क्या बात हुई? सही बात। जिसने आपको सब कुछ देना है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप दूसरों के साथ क्या ही लॉयल रहोगे? आप अपने दीन के साथ क्या लॉयल रहोगे, ये बताओ। परम भाई ने तो अपनी स्टोरी बयां कर दी। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुझे उनके मुसलमान बनने पर कैसा लग रहा है। परम सिंह एक हिंदू सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में एक डरा देने वाली बात कही, अगर आपने गौर किया हो तो। उन्होंने कहा कि मैंने यूट्यूब से इस्लाम सीखा। क्या आप इस बात को फील कर सकते हैं? सोचे कितने अफसोस की बात है कि आज गैर मुस्लिम को यूट्यूब से इस्लाम सीखना पड़ रहा है। हम मुसलमान मुर्दा हो चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि गैर मुस्लिम हम मुसलमानों को देखकर, हम मुसलमानों से इस्लाम सीखकर मुसलमान बनते, मगर आज गैर मुस्लिम सोशल मीडिया के जरिए से अपने खुद की मेहनत से रिसर्च करके इस्लाम ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुद मुसलमानों को ही उनके दीन का इल्म नहीं है, तो दूसरों को तो क्या दीन सिखा देंगे। दोस्तों, परम भाई ने अपनी वीडियो में अपने माँ बाप का भी जिक्र किया है। मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि उनके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल किया है या नहीं। उनके भाई बहन भी हैं, वो भी उनके साथ ही वीडियोस में नजर आते हैं, क्या उन्होंने भी इस्लाम अपना लिया है या नहीं? वल्लाहु आलम। दोस्तों, परम भाई ने हमारी भी कई वीडियोस पर रिएक्शन दिए हैं। हो सकता है कि उनके इस्लाम लाने में हमारा भी जर्रा बराबर हिस्सा शामिल हो। दोस्तों, परम भाई के इस्लाम अपनाने की बात से तो मुझे खुशी मिली ही मिली है, मगर उन्होंने अपनी वीडियो के लास्ट में जो नमाज के बारे में बताया, अल्लाहु अकबर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि मुसलमान फजर की नमाज के लिए नहीं उठते, मगर उन्हीं मुसलमानों को अगर कहा जाए कि फजर की नमाज पढ़ने वाले को 1,00,000 रुपए हर नमाज के लिए दिए जाएंगे, तो हर मुसलमान आधी नींद में भी नमाज पढ़ने मस्जिद में पहुंच जाएगा। कितनी गहरी बात थी ये, अगर तुम समझो तो। मुसलमानों, एक बात कहना चाहूंगा, परम भाई अब मुसलमान जरूर बन गए हैं, मगर आप लोग अब उनको किसी चीज के लिए फोर्स मत करना, परेशान मत करना कि परम भाई दाढ़ी रखो, टोपी पहनो, पजामा टखनों से ऊंचा करो और अपनी माँ बहनों को पर्दा कराओ वगैरह। परम भाई अभी सिर्फ इस्लाम में दाखिल हुए हैं, ये फैसले आप उन्हीं पर ही छोड़ देना। दोस्तों, आज के इस मुसलमानों से नफरत के माहौल में भी परम भाई का इस्लाम अपनाना और फिर उसे पब्लिकली अनाउंस करना उनकी हिम्मत और उनके ईमान की मजबूती को दर्शाता है। परम भाई, यकीनन हिंदू संगठन जरूर आपको परेशान करेंगे, आपको इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करेंगे, मगर आप डटे रहना। देखिए भाई, बहुत ही, मैं तो ये बहुत प्यारा ये वीडियो है ये, पर इसमें जो लास्ट मैसेज दिया गया है ना, ये बहुत फैक्ट दिया हुआ है, क्योंकि बहुत से प्रोबेबली मेरे भी ऐसे मोस्टली मुस्लिम्स दोस्त बहुत सारे हैं मेरे,
जो रमजान के ड्यूरेशन में भी फास्ट ट्रैक नहीं करते, मतलब ऐसे जनरली हम लोग बात कर लेते हैं, तो मैं पूछती हूँ उनसे, उन सबका ये कहना होता है कि सहरी के बाद उठा नहीं जाता, उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट दोपहर में आंख खुलती है। ये तो चीज़ है यार, ये चीज़ है। बहुत से जनरेशन के आज के लोग ऐसे होते हैं कि जो फजर की नहीं करते, क्योंकि किसी से नहीं उठा जाता सुबह नहीं। और मैं तो भाई बहुत ज्यादा खुश हूँ कि परम भाई को अपने ट्रू गॉड मिल गए हैं। और अभी मैं जैसे चैनल देख रहा था, तो इनके जो रिवर्टेड मुस्लिम परम वाला चैनल है उस पर एक वीडियो आया नॉन मुस्लिम पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ये वीडियो पर भी हम अपना रिएक्शन देंगे। वही 7 मिनट का एक वीडियो मुझे दिखा है, बहुत ही अच्छा एक वीडियो होने वाला है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको वेट करना है हमारे और अच्छे वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करते रहिए इस वीडियो पर कि हमारा रिएक्ट आपको कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे जी, नमस्कार।